हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मुमिना शेख एंड फाइनली आई एम बैक माय न्यू व्लॉग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं, आज हम बहुत मज़े का व्लॉग बनाने वाली हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कर देते हैं यहाँ पर मोबाइल को सेट, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में बल्कि बताने नहीं वाली, दिखाने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हाँ, फेस्टिवल के व्लॉग्स जो मैंने आपसे कहा था, मैंने सारे जितने भी थे वो सारे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। यार पता क्या, फेस्टिवल के व्लॉग्स ना बहुत पुराने पड़े हुए हैं। एक तो ये कि यार उनकी एडिटिंग का बहुत स्यापा था, क्योंकि वो मतलब यार इतने ज़्यादा थे, लाइक यू नो 3-4 आए कैसे हैं या 4-5 है, 5 आए कैसे, इस तरह से ही हैं। तो एक तो यार क्योंकि मुझे पता था कि कुछ कुछ जगहों पर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़नी है ड्यू टू वॉइस इशू, क्योंकि सम प्लेसेस पर ऐसी थी अंदर से, अगर आप लोग देखो कि इतना लाउड म्यूज़िक लगा हुआ है कि यार वो हम मेरी बात पर समझ नहीं आनी, और वैसे म्यूज़िक अनाट अलाउड, ठीक है। तो मतलब यूट्यूब की पॉलिसी है ना, तो इस वजह से यार मैंने सोचा कि चलो इट्स ओके, हम लोग वॉइस ओवर कर लेते हैं। और फाइनली जो है वो मैंने कर लिए और मैंने आप लोगों के साथ अपलोड कर दिए। और अंदर से फिर इस तरह से हुआ कि रमज़ान आ गया, फिर रमज़ान की डेली बेसिस पे उनकी उस रूटीन की वीडियोज़ आती गई, और देन ईद आ गई और ये सिनेरियो चलता रहा। और उसके बाद क्या हुआ, ईद के बाद तुम लोगों की बहन न्यू व्लॉग आज काफ़ी दिन बाद बन गया, ईद का 3rd डे का जो न्यू व्लॉग था आज, उसके बाद मेरे ख्याल से आज मैं न्यू व्लॉग बना रही हूँ। बाकी ये तो कुछ पड़े हुए थे मेरे पास व्लॉग्स बनाए हुए थे, कुछ फेस्टिवल के करके मैंने अपलोड किए, अंदर 1-2 दिन आई गेस गैप भी हो गया होगा, बट ओके कीजिएगा, क्योंकि यार मैं जो थी बहुत ज़्यादा थी, लाइक आई वॉज नॉट वेल, ओके। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और ये सारा सिनेरियो चलता गया था कि मैं आई वॉज नॉट वेल, इस वजह से मैं जो है ना व्लॉग, इवन तो कि आई ट्राइड कि यार नहीं मुझे व्लॉग बनाना है, समटाइम ऐसा हुआ कि मैं उठी हूँ, मैंने कहा कि चलो, क्योंकि फेस्टिवल के व्लॉग्स तो फिर मैंने इसी से अपलोड किए कि यार काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई मसला नहीं है कि मैं व्लॉग नहीं बना रही तो फेस्टिवल के अपलोड कर लेते हैं। लेकिन ये मेरे बाद में माइंड में मेरे पर आइडिया आया, ठीक है। मतलब इतना मतलब यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हुआ इस तरह से मुझे फीवर, और बस जैसे ही वो ईद गुजरी और यू नो वो एक चल रहा था रमज़ान में रोज़ रख रख कर, ठीक है, और ये सारा तो मैं बहुत ज़्यादा हो गया था फीवर, ये सारा सिनेरियो। और फिर मैं सारे व्लॉग्स है मतलब फिर उन डेज में मैं व्लॉग बनाए ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अभी भी जो है आई एम नॉट टोटली वेल, बल्कि टोटली वेल हूँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 जो है ना मैं ओके हूँ, ठीक है। और ये है कि अब ठीक हूँ वैसे, तो अब मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेते हैं। अच्छा हुआ इस तरह से कि मैं ना व्लॉग्स नहीं थे बना रही, तो मैंने सोचा कि यार इट्स ओके, हम जो है व्लॉग बना लेते हैं ना, समझ रहे हो, कि मतलब मैंने अंदर उठी, लाइक मैंने कहा कि भाई हम लोग जो है आज ट्राई करते हैं व्लॉग बनाने के लिए। कि यार मैं मतलब मेरे बहुत ज़्यादा लाइक होती कि मेरे से व्लॉग में, फिर मेरे माइंड में एकदम से आइडिया है कि यार लाइक इस तरह से डेज हुए, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो लाइक जुगाड़ लगाना ही है। मतलब इतने डेज हो गए हैं आप सबके साथ मैंने कोई वीडियो भी शेयर नहीं की, हम वेल सेट कर लेते हैं ताकि मेरा ये आम थक ना जाए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके बैठ जाते हैं हम, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार मतलब यार काफ़ी डेज होते जा रहे थे व्लॉग्स नहीं थे आ रहे ना, तो फिर मैंने अंदर दिए भी कुछ पड़े हुए थे पुराने वाले व्लॉग्स, आप लोग देख लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए तो वो न्यू थे अगर मैंने बनाए हुए, लाइक सम टाइम ऐसा होता था क्योंकि मैंने यू नो बना लेती थी इस तरह से। अब तो मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे व्लॉगिंग किया करूँगी, बट आगे से इस तरह से, ताकि मतलब मैं इनका चलो 2-3 बना लिए जब भी मेरे पास टाइम हुआ, लाइक यानी कि मुझे हुआ कि चलो आज, फिर वो नेक्स्ट डे जो है स्टे हो जाता है। ये फिर से मुहिम होने लगा था, लाइक आप लोगों को पता है जब भी मैं इधर कुछ करती हूँ मेरे से उल्टा काम ना आए, ये हो सकता है। यहाँ पर हम लोग नीचे सेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं जो है वो क्लियर हो, यार लाइट की रोशनी ओके क्या कह रही हूँ, ठीक आ रही है, आई होप कि आप लोगों से आ रही मैं, ठीक है। तो मैंने कहा थक जाऊँगी तो इस वजह से मैंने किया। तो मैं उन लोगों को बता रही थी कि हुआ इस तरह से कि यार आप लोगों को पता है बाहर का, हालांकि बाहर का बहुत कुछ खाया जाता है, मतलब यू नो, और रमज़ान के बाद एक वो बना होता है उसके बाद, ठीक है, इवन दो के बाहर का भी, लेकिन मतलब फिर भी यार पता नहीं क्यों मुझे अब इवन दो की इतना ज़्यादा परहेज करनी पड़ रही है, मुझे लाइक सारे स्पाइसेस मना हो गए हैं, ठीक है। आई वांट टू ईट
मज़े मज़े की चीज़ें, बट मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लाइक मना हो गई हैं, बाहर की चीज़ें तो सारी मना हो गया है बंद, ठीक है। तो आई वॉज़ लाइक ओ माई गॉड ये क्या हो गया, क्यों मुझे मना हो गया लाइक किस तरह से ना। तो भाई आप लोग तो इन्जॉय करो, मैं भी बहुत कर चुकी हूँ तो इस वजह से आप मुझे ये करना पड़ी है। स्पाइसी मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, एज यू नो डैट के मैं कुछ नूडल्स डाल दूँ तो नूडल्स के अंदर इतनी ज़्यादा स्पाइसी, तो अब ये स्पाइसिस की वजह से ना ये मुझे वो जो थोड़ी सी भी बंदा खाता खा सकता है ना, अब उससे भी जो है फ़िलहाल के लिए मुझको लग गई है बैन, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अभी मैं नहीं खा सकती स्पाइसेस और जितनी भी होती हैं गर्म चीज़ें, ठीक है, और ये सब कुछ। तो भाई मुझे बहुत मुश्किल से लाइक लग रहा है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बस मैं फ्रूट्स खा सकती हूँ और लाइक इस टाइप की चीज़ें, तो वो मैं खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और बाकी ये है कि फास्ट फूड और ये सब कुछ नहीं खा सकती बाहर का, और बट इसके बगैर मैं रह रही हूँ। हाँ जी हाँ, मुझे मतलब इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन यार कभी कभी तो खाया जाता है ना, यानी कि मतलब कभी कभार तो खाते ही है ना, मतलब तो वो भी मना हो गया, ठीक है। आप खुद हिसाब लगा लो कि मुझे स्पाइसी बिल्कुल नहीं अलाओ, मैं नहीं खाती मतलब नहीं खा रही हूँ पॉसिबल, लेकिन जैसे इट्स पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती थी और अब नहीं खा सकती, लेकिन मैं थोड़े देर तक इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं खा सकूंगी, ठीक है। बस कुछ देर बस मेरी मम्मा चम भी कह रही हैं मुझे, वो दबा दबा के खिला रही हैं चीज़ें लाइक फ्रूट्स और लाइक वहाँ से फ्रूट्स और योगर्ट और मिल्क ये सब कुछ के लाइक ठीक हो जाऊँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत 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 बेस्ट हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार इतने डेज आते हैं, ओह माय गॉड, क्योंकि आज मेरा मैंने आज जो अपलोड किया ना यार, लास्ट व्लॉग था मेरा फेस्टिवल का, वो लास्ट व्लॉग बहुत ही मज़े का व्लॉग है, उसमें मैंने तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई हैं। मन दो क्या है, तुम लोगों ने अभी वो नहीं ना देखा जाके देख लो, थोड़ा सा इस वजह से वो लंबा हो गया है, ठीक है। मैंने कहा कि क्या यार इसके पार्ट बना के टू में शेयर करूँगी, इसको वन में करते हैं और ये काम खत्म करते हैं फेस्टिवल के व्लॉग्स का, ठीक है। मैंने ऐसे ही किया, ठीक है। तो वो व्लॉग्स सारे बहुत मज़े के हैं, लेकिन लास्ट व्लॉग जो है वो भी बहुत मज़े का है, इवन दो लास्ट तक वो देखना सारा, तो वो ज़रूर देखो अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ ना। तो अगर मैं ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जाओ वो व्लॉग मेरा देखो, ठीक है। और यस, आपकी तरफ से एक काइंड ऑफ सपोर्ट ही होगी मुझे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर न्यू हो तो, अगर पुराने हो सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। तो भाई बस ये जो है मैंने आज बना के मैं कहा चलो यार स्टार्ट करते हैं, है तो नाइट टाइम ही, ठीक है। अभी सब जो है वो खाने वाली हैं, मेरी मामा जान और भाई जो हैं वो गए हुए हैं लेने के लिए, क्या लेने के लिए गए हैं यार, आई गेस केक लेने गए हैं, पाइनएप्पल केक और दिस इज काइंड ऑफ थिंग, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे खाने दें क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं है, ठीक है। ओके लेट्स सी व्हाट इज दिस, कुछ कुछ है इसमें, ये हम लोग अंदर ले आए हैं फिर मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। मेरी मम्मा जान देख रही हैं, बाकी केक वगैरह तो आई गेस मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि वो मुझे अलाउ नहीं है, बाहर की चीज़ें ना थोड़ी दिन अवॉइड करनी है मैंने, ठीक है। बट ये अलाउ है, और ये क्या है, ओ माय गॉड इट्स माय फेवरेट थिंग टू, और ये मैं खा सकती हूँ, ये है नारियल, यस कोकोनट, और इसके अंदर वाटर भी है, और ये अभी मैं आप लोगों को समझ से मैं नहीं निकालूंगी, मेरी मम्मा जान ही निकालेंगी क्योंकि वही उन्हें निकाल के देती हैं, थक जाऊंगी और ये मुझे अलाउ नहीं है, ठीक है। मैं आराम से आजकल रेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं करती, ये मेरी मम्मा जान ने कहा, एक मिनट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा लूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी ये है कि भाई हम लोग रखते हैं, और हाँ मैं तुम लोगों को आज कुछ चीज़ें दिखाने वाली थी, और वो अब ये है कि मैं दिखाती हूँ, ज़रूर दिखाती हूँ, बट अभी नहीं आज ही, क्योंकि यार अब देखो मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को बताया वाज नॉट वेल, हो सकता है कि यार मतलब कल भी मेरा मतलब उस तरह का मूड ना हो मैं व्लॉग बनाने का, या परसों भी मतलब इस तरह से ना, तो जी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं जो है यार एक वाला व्लॉग बनाकर इसके बाद एक और व्लॉग बना लेती हूँ, ठीक है। जो मैंने चीज़ें तुम लोगों को दिखानी थी वो मैं साथ नेक्स्ट व्लॉग में दिखा लेती हूँ, ताकि ये होगा कि अगर मैं व्लॉग जो है नहीं बना सकूँगी तो फिर आप लोगों के लिए भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्योंकि आज मेरा बनाना इसलिए कंपलसरी था, ज़रूरी था, क्योंकि मैंने कहा कि यार आप लोगों के साथ शेयर भी तो करना है ना कि वो आए, मतलब अगर मतलब ऐसे मेरे व्लॉग ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए, कुछ डेज में नहीं स्किप भी हो गए होने कुछ डेज में, लेकिन मेरे पास मैंने कहा फेस्टिवल के व्लॉग्स से फिर मैंने को टाइम बाई टाइम मैं एडिट की और आई अपलोड ऑन माई यूट्यूब चैनल एक मिलियन, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर लिया, ठीक हो गया। और अब जो है बाकी क्या क्या चीज़ें आई हैं यार, मुझे मैंने बताया पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें मुझे हो गई हैं वरना बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट आई हैव टू अवॉइड, बट मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा खाने के लिए चीज़ें, बट मुझे कंट्रोल करना है।
और ये मैंने अपने मोबाइल इधर आराम से सेट किया हुआ है, और ये जो है ना मैं जो है खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं खुद नहीं करूँगी इसके अंदर वाटर, क्योंकि इसको पसंद है भाई। इसको हम लोग इस तरह कर लेते हैं ताकि इसको ऐसे ऐसे सो ओ माय गॉड यार, ये मेरे फेस पे वो वाली लाइटनिंग आ रही है, मतलब समझ रहे हो ना। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे फेयर्स अभी बिखरे हुए हैं, यार ये बिखरे रहते हैं, इनको छोड़ो, क्योंकि मैंने वो लॉक अभी भी ये नहीं किया है कि मैं एक सेट वेट हो लूँ, लाइक मैं अपने काम कर लूँ या फिर कुछ कर लूँ। मेकअप तो मुझे वैसे नहीं पसंद, मैं वैसे नहीं मेकअप करती है, तो मैंने वैसे क्या करना है। तो मतलब मैं जैसे होती हूँ ना वैसे उठती हूँ, मैंने कहा चलो ये व्लॉग बना लिया, अब एक चीज़ को आप अपने लिए ऊपर पहाड़ बना लो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं जैसी होती हूँ, आई एम रियल, सो दैट्स वाई समटाइम ठीक है आई यूज़ फिल्टर, लेकिन वो भी डेली डेली नहीं, कभी कभार यूज़ करती हूँ जब लाइट का ज़्यादा इशू आ रहा है तो इस टाइप। ठीक है तो भाई ये है नारियल, और भाई इसको हम वाटर है इसके अंदर, ये देखो वैसा ही है इसके अंदर, यस। और इस टू मच ठंडा, ओ माय गॉड यार बहुत मज़े का होता है, और इस वाटर भी और इस बेनिफिटेबल भी बहुत ज़्यादा होता है ठीक है। और ऑफकोर्स यार, और ये इवन दो कि इसका मुहिम होता है, मैं इस पर कर लेती हूँ, और अब कोई अंदर आता है तो किसी को देती हूँ, या क्योंकि आज मैं बहुत डेज बाद ब्लॉग बना रही हूँ अपना ब्लॉग, और इसके बाद हाँ तुम लोगों को मैंने क्या चीज़ें दिखानी हैं। हाँ यार कहाँ पर पड़नी है, तुम लोग सोच रहे होगे वो क्या चीज़ें हैं, यार वो बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ लाइक ये है कि इफ़ यू वांट टू बाय, और फिर तुम लोगों को सारी इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, और तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि यार ओरिजिनल चीज़ क्या है ठीक है। समटाइम हम लोगों को ये चीज़ होती है कि हम लोग ना कोई चीज़ हम लोग मतलब कुछ होती है, लोग कुछ कह रहे होते हैं, हम लोग बाय करते हैं। अच्छा यार तो आई डोंट नो क्यों इतना लाइक आ गया था, तो चलो यार अभी फ़िलहाल अपने ये खा लूँ ठीक है मैं, तो भाई बाकी देखते हैं क्या क्या आया है, और साथ में भी खा लूँ कुछ भी, शायद मेरे ये भी कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे अलाउ हो ठीक है मे बी। तो चलो जी मैं आती हूँ, और हाँ अब इस व्लॉग को तो यहाँ पर एंड करते हैं, अगर मेरा दिल किया तो नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर लूँगी, अब इट टोटली डिपेंड्स ना, वरना कल करूँगी। तो मेरे वीडियो ज़रूर देखा करें, और हाँ लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।